प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का ये दृश्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर से। तो प्रधानमंत्री का जो साउथ कनेक्ट है, प्रधानमंत्री का जो दक्षिण का दौरा है, उसमें ये प्रमुख राजनीतिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें कि वो वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए रोड शो कर रहे हैं। और जैसा हम जानते हैं कि तमिलनाडु में हाल में जो के अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि के अन्नामलाई भी नजर आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने के अन्नामलाई के नेतृत्व में तमिलनाडु में काफी कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि तमिलनाडु में अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसे तैयार किया जाए और तमिलनाडु से लोकसभा की सीटें भी जीती जाएं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कोयम्बटूर में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये तमिलनाडु का दौरा है, ये बहुत खास है, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार दक्षिण भारत का दौरा कर चुके हैं और हर एक बार उन्होंने तमिलनाडु में भी अपने कार्यक्रम को रखा है। इस नए साल 2024 की बात कर लेते हैं। साल 2024 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत का 3 बार दौरा किया है और उसमें तमिलनाडु भी शामिल रहा है। तमिलनाडु की संस्कृति को लेकर, वहां के जनजीवन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले दिल से तारीफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। तो काशी के सांसद, वाराणसी के सांसद भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तमिलनाडु की संस्कृति की खुलकर प्रशंसा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी सिलसिले में कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री का ये रोड शो, जिसमें कि आप देख रहे हैं रोड के दोनों तरफ भारी संख्या में लोग वहां पर आए हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी दोनों तरफ हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु में फिलहाल डीएमके की सरकार है, लेकिन डीएमके नेताओं की तरफ से, विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं से की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए हैं जो बयान मुद्दे बन रहे हैं, चाहे वो विभाजनकारी बयान हो, चाहे वो सनातन के विरोध का बयान हो। इन सब चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जान फूंकने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा के अन्नामलाई जो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो दोनों मिलकर वहां तमिलनाडु की जनता में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है। हमारे संवाददाता अनुज यादव और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अनुज, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो दिख रहा है और जिस तरह से कि लोगों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है, मैं बिल्कुल एकदम इस समय जो हमारी तस्वीर चला, हमारी तस्वीर जो चल रही है उसमें साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि लोगों में कितना गजब का उत्साह है। अनुज, आवाज आ रही है? जी जी ललचन। हाँ अनुज, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि तस्वीरें जिस तरह से दिखाई पड़ रही है कॉन्टूर से, लोगों में गजब का उत्साह, फूलों की बारिश। देखिए, दक्षिण भारत में लगातार प्रधानमंत्री अपने दौरे कर रहे हैं। चुनावों की घोषणा से पहले ही दक्षिण भारत के राज्यों को कई हजार करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री ने दी। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज लालचंद्र जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये उन्हीं योजनाओं का जमीनी स्तर पर जो लोगों को सुविधाएं दी गई हैं, जो योजनाएं दी गई हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो दिल्ली से चलकर दक्षिण भारत तक पहुंची हैं, शायद उसी का धन्यवाद दे रही है कोई जनता। दोनों तरफ फूलों से स्वागत, अपने प्रिय नेता प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है तमिलनाडु की जनता, कोयम्बटूर की जनता। और सबसे बड़ी बात यही है लालचंद्र की दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं अब वो बातें एक बार फिर से, जो कभी राजनीतिक पंडित इस बात को कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी है, हिंदी बेल्ट की पार्टी है, दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा नहीं कर पाती चुनावों में, वो सारी बातें ये उमड़ा हुआ जन सैलाब बता रहा है। सड़कों के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, जो फूलों से अपने नेता का, प्रिय नेता का स्वागत कर रही है कोयम्बटूर की जनता। तो निश्चित तौर पर अब हिंदी बेल्ट से निकलकर दूसरे राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में, और इसका सबसे बड़ा कारण लालचंद्र प्रधानमंत्री पिछले दिनों में जिस तरीके से इस बात को कहते रहे हैं कि वो तमिलनाडु, तेलंगाना के अंदर तमिल भाषा में लोगों से जुड़ना चाहते हैं, और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। आज प्रधानमंत्री अपना जो भी भाषण देते हैं उसको तेलुगु में भी सुना जा सकता है। ये एक सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री हर भाषा में, हर क्षेत्रीय इलाके के अंदर उसी अंदाज में, उन्हीं की परंपरा और संस्कृति में लोगों से जुड़ने का जो तरीका प्रधानमंत्री ने पहली बार देश की जनता को दिया है, ये वही तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से अगर किसी नेता की, देश के प्रधानमंत्री की नीति और नियत अच्छी हो तो उसमें क्षेत्र, उसमें भाषा बीच में नहीं आती, उसमें अपनापन आता है, कुछ कर गुजरने की अगर इच्छा हो। निश्चित तौर पर दक्षिण भारत के अंदर भी चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इस बार क्या कुछ देगा, कितनी सीटें देगा, क्या पुरानी जितने मिथक है वो टूट जाएंगे, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी फिलहाल यही कह सकते हैं कि जितनी भारी संख्या में समर्थन मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि इस बार दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। ठीक है, हमारे संवाददाता, आप हमारे साथ बने रहिएगा अनुज। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से ये कोयम्बटूर में उत्साह से भरी हुई ये प्रधानमंत्री की रैली या रोड शो कहें, रोड शो, जिस तरह लोग, देखिए अभी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हाथ उठाकर प्रधानमंत्री का जिस तरह अभिवादन कर रहे हैं। शैलेंद्र, कोयम्बटूर सीट वो सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने खास फोकस इस बार किया है, उन सीटों में से शामिल है ये सीट? निश्चित तौर पर, आप देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी रोड शो में शामिल होते हैं इस तरह की एक भीड़ दिखाई देती है। और ये तस्वीरें दरअसल एक राजनीतिक जवाब है विपक्षी दलों को, एनडी गठबंधन के नेताओं को, कि जो इस बात को कहते हैं कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनौती है वो बड़ी है
जबकि बीजेपी ये कहती है कि दक्षिण भारत में वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, आप देखें पिछले 2019 के चुनाव में भी एक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो इन तस्वीरों से साफ दर्शक देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से अभिवादन यहाँ पर जनता कर रही है। और ये तस्वीरें जवाब है एक तरह से देखें उन तमाम राजनीतिक दलों को जो बीजेपी की जो दक्षिण भारत की रणनीति है उस पर एक तरह से सवाल उठाते रहते हैं, उसकी सफलता पर सवाल उठाते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। इससे पहले भी चुनाव के ऐलान से पहले भी हमने देखा तेलंगाना हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जाते रहे। और दक्षिण भारत को जो भारतीय जनता पार्टी का इस बार खास जोर है, इसकी वजह भी यही है कि बीजेपी को लगता है कि इन राज्यों से पार्टी अपनी जो लोकसभा सीटें हैं उनमें खासा इजाफा कर सकती है, क्योंकि वहां के जो राजनीतिक दल हैं चाहे वो तमिलनाडु में डीएमके हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, तेलंगाना में बीआरएस हो या बाकी जो दल हैं, वहाँ उनसे जनता निराश है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। जिस तरह से तमाम राज्यों में समर्थन मिला था लोकसभा चुनाव में, इस बार दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण राज्य हैं वहाँ उस तरह का एक शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनके उत्साह को बढ़ा रही होंगी। बिल्कुल, और इस उत्साह को बढ़ाने में, इन चीजों को यहाँ तक लाने में जो उनके युवा अध्यक्ष हैं तमिलनाडु बीजेपी के अन्नामलाई, उनका बहुत बड़ा योगदान है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर देखिए, जब से के अन्नामलाई तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार इस बात की चर्चा है। उन्होंने जो यात्रा निकाली उसमें बीजेपी के जो स्थानीय स्तर के जो कॉडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बहुत उत्साहित नजर आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा बीजेपी को हासिल है, इस बात को तमिलनाडु की जनता बखूबी जानती है। और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक ऊर्जावान नेतृत्व जब सामने आया तो हमने देखा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में खास तौर पर एक उत्साह जगा कि बाकी राज्यों में जिस तरह से बीजेपी को सफलता हासिल हुई है, तमिलनाडु में भी बीजेपी उस तरह से एक शानदार प्रदर्शन कर सकती है। और यही है वजह है कि तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं, कन्याकुमारी की हम बात करें, कन्याकुमारी की सीट हो या फिर त्रिनवल्ली की सीट हो, तमाम वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत फोकस नजर आता है। और ये वही इलाके हैं जहां से हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा जन समर्थन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी चुनाव के ऐलान से पहले वहां गए, उनकी जो वहां पर सभाएं हुई उस सभाओं में जो भीड़ दिखाई थी, और निश्चित तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक ऊर्जावान नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। और जिस तरह से बीजेपी के विस्तार में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है तमिलनाडु की राजनीति में। बिल्कुल, हमारे साथ अनुज भी जुड़े हुए हैं। अनुज, आपके पास खास तौर पर मैं ये इस पर बात करना चाहूँगा कि आप अगर देखें तो इस साल प्रधानमंत्री का ये तीसरा दक्षिणी राज्यों का दौरा, उसमें हर बार तमिलनाडु शामिल रहा उन दौरों में, उसके बाद इस बार प्रधानमंत्री का दक्षिण का 5 दिनों का लगातार दौरा है। ये जो साउथ कनेक्ट है पीएम का, ये बहुत कुछ कह रहा है और इसको लेकर बड़ी चर्चा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये 2024 में 400 पार की तैयारी है उसके तहत है, कुछ लोग कह रहे हैं ये 2029 की भी साथ में तैयारी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है लालचंद्र, आपने कहा इस साल, मैं तो कहूंगा सिर्फ 3 महीने। आपकी बात सही है कि इस साल की शुरुआत होते ही दक्षिण भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस में सबसे ज्यादा रहा, लेकिन ये सिर्फ 3 महीनों में इतने दौरे लगातार दक्षिण भारत में करना। और देखिए, कोई भी नेता, कोई भी प्रधानमंत्री जब किसी इलाके के अंदर जाता है तो उम्मीदों के साथ जाता है, और उम्मीदें जब पूरी होती हैं जब आप उस इलाके के लिए कुछ करते हैं। मैंने कई प्रधानमंत्री के दौरों के दौरान मैं अलग अलग राज्यों में था, चाहे केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तेलंगाना की बात करें, आंध्रा की बात करें जी। कई हजार करोड़ की परियोजनाएं, लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं गांवों के लिए, शहरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया। और प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि मेरी कोशिश रहती है कि जिस योजना परियोजना का उद्घाटन करूं, शिलान्यास करूं, उसका उद्घाटन भी करूं। दक्षिण भारत में जो ये तस्वीरें आज के रोड शो के माध्यम से दिखाई दे रही हैं लालचंद्र, इसके पीछे काफी संघर्ष है।
मेहनत है। प्रधानमंत्री जी बात को कहते हैं कि आम जनता के लिए, देश के लिए वो अपना जीवन खपा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले देश, ये जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो जनता उमड़ रही है सड़कों पर, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमने पिछले 70 सालों में ऐसी राजनीति देखी कि केंद्र सरकार में जिस पार्टी की, जिस दल की सरकार हो, अगर राज्य में उनकी दल की सरकार है तो वहां योजनाएं पहुंचती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, लेकिन दिल्ली से पैसा पूरे देश के अंदर बराबर हिस्से में जाएगा, सबके हिस्से का पैसा मिलेगा, सबके हिस्से की योजनाएं मिलेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, वंशवाद की राजनीति को खत्म करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, ये बड़े मुद्दे प्रधानमंत्री लगातार उठाते रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में वंशवाद की राजनीति खत्म हुई है, उस परंपरा को प्रधानमंत्री तोड़ना चाहते हैं। और दक्षिण भारत के अंदर कई राज्यों का विकास सिर्फ इसी वजह से नहीं हो पाया कि वंशवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार की जो राजनीति कई दशकों तक लगातार चलती रही, वहां सिर्फ एक वर्ग का विकास हुआ, आम जन का विकास नहीं हुआ। आप बड़े बड़े शहर आप तमिलनाडु के अंदर देखेंगे, तेलंगाना के अंदर देखेंगे, लेकिन जब आप गांवों की तस्वीर देखेंगे, ग्रामीण भारत की तस्वीरें देखेंगे, वो लगातार पिछड़ते चले गए। तो अब एक सवाल ये भी इस चुनाव में होगा, इस बार 2024 के इन चुनावों में, कि क्या क्षेत्रीय पार्टियों से जनता का अब मोह भंग हो रहा है? लालचंद एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर सबसे ज्यादा, अगर किसी ने सत्ता, यहाँ पर सत्ता में रहे हैं तो वो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे एडीएमके हो, एआईडीएमके हो, और इन लोग, इन राजनीतिक दलों के, इनकी मुख्यमंत्रियों के, इनके मंत्रियों की तस्वीरें मीडिया के अंदर सुर्खियों में रही है भ्रष्टाचार को लेकर। क्या अब जनता उस बात को बदलना चाहती है? क्या राजनीति का रूप और स्वरूप को बदलना चाहती है? ये तस्वीरें शायद दिखाती हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश दुनिया के जो लोकप्रिय नेता बने हैं, उसमें दक्षिण भारत की भी अहम भूमिका है। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जब आज तेलंगाना में थे, अभी तमिलनाडु के अंदर हैं, कल आंध्रा में होंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि 2047 तक अगर देश को विकसित बनाने का संकल्प हमने लिया है, तो वो इन्हीं तेलंगाना से, इन्हीं दक्षिण भारत के इलाकों से, इसी तमिलनाडु से होकर होगा, क्योंकि दक्षिण भारत की भूमिका देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इस ये जो एक कनेक्ट दक्षिण भारत के साथ प्रधानमंत्री ने बनाया, ये एक सबसे बड़ी बात है कि आज जनता तमिलनाडु की, दक्षिण भारत की सड़कों पर निकल रही है। और देखिए, इससे पहले मैंने जो आपसे बात कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत की सभी भाषाओं में टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं, चाहे उनके मन की बात के कार्यक्रम रहे हो, चाहे सरकारी योजनाओं के दौरान उनके भाषण रहे हो, चाहे राजनीतिक जो जनसभाएं आज वो कर रहे हैं। आप अगर किसी भी भाषा में, चाहे वो तमिल भाषा हो या कोई भी भाषा हो, मलयालम हो, आप सीधा नमो ऐप पर जाइए और नमो तमिल आप डालिए, आप सीधे उस भाषा में बात कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। एक कनेक्ट करने का जो तरीका, संवाद स्थापित करने का जो तरीका प्रधानमंत्री ने अपनाया, ये एक अभूतपूर्व तरीका है जो अभी तक की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला। इसीलिए प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि देश के अंदर भाषाएं अलग हो सकती हैं, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र और देश की बात जब सबसे पहले होती है तो सभी लोग एक बंधन में बंधे नजर आते हैं। और आज तमिलनाडु की जनता, कोयंबटूर की जनता, करीब 3.5 किलोमीटर का लालचंद ये रोड शो है, 3.5 किलोमीटर के अंदर दोनों तरफ सड़कों पर हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है उमड़ रहे हैं अपने प्रिय नेता प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, फूलों से स्वागत, फूलों से अभिनंदन। शायद यहाँ की जनता प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे रही है, जो पिछले वर्षों के दौरान, 10 वर्षों के दौरान दक्षिण भारत के लिए, तमिलनाडु के लिए, तेलंगाना के लिए, केरल के लिए जितनी योजनाएं दिल्ली से दी गई। बिल्कुल, ये तमाम जो बातें आप कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का जो साउथ कनेक्ट है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह प्रोग्राम अपना चला रही है। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कोयंबटूर सीट की अगर विशेष रूप से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ 2 बार जीत चुकी है। सीपी राधाकृष्णन भारतीय जनता पार्टी के
1998 और 1999 में इस सीट को जीते थे, तो कोयम्बटूर सीट भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में होना स्वाभाविक है कि उसे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत सके। निश्चित तौर पर देखिए, यही वजह है कि बीजेपी दक्षिण भारत में, पूरे दक्षिण भारत में उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है जहां वो उसे कभी न कभी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी। और 1999 का जो प्रदर्शन है दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत शानदार रहा था। तब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग राज्य नहीं हुआ करते थे, तब बहुत शानदार प्रदर्शन था। और तब हमने देखा था कि तमिलनाडु में भी एक शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिला था। बीजेपी की कोशिश इस बार ये है कि वो उस प्रदर्शन को से भी बेहतर प्रदर्शन, उससे भी आगे जाए और न केवल तमिलनाडु में बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति में लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी एक इतिहास रचे। और यही वजह है कि 370 सीट जो बीजेपी ने खुद अपने दम पर नारा दिया है और एनडीए के सहयोगियों के साथ 400 सीट पार, उसमें दक्षिण भारत के तमाम राज्यों को लेकर जो रणनीति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। केरल में जो ऐलान किया गया, आप देखिए, अब बीजेपी ने अपने दो महत्वपूर्ण मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ये कोशिश में है कि केरल में न केवल खाता खोल लिया जाए बल्कि कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल हो। तमिलनाडु में भी करीब एक दर्जन सीट बीजेपी मान के चल रही है कि वहाँ वो बहुत अच्छी स्थिति में हो सकती है। तो ऐसे में उन लोकसभा सीटों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने का प्रयास किया जा रहा है। और हम दौरे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चुनाव के ऐलान से भी पहले आप देखें और चुनाव के ऐलान के बाद, उन सीटों पर साफ तौर पर ज्यादा फोकस नजर आता है जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में जीत की संभावनाएं काफी है, या बीजेपी यह मानकर चल रही है कि उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। इसकी एक वजह भी है, बीजेपी को लगता है कि वंशवाद की राजनीति पर जिस तरह से करारा प्रहार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें वंशवाद नहीं है। चाहे आप डीएमके की बात करें, वहाँ सबको पता है कि जीतने पर मुख्यमंत्री कौन होता है, पार्टी अध्यक्ष कौन होता है, पार्टी किसके हाथों में है। आप अगर बाकी राज्यों में अगर देखें तो वंशवादी पार्टियों के कुछ परिवार के नेता दरअसल विपक्षी दलों में एक तरह से पूरी पार्टी को नियंत्रित करते हैं। तो इस मुद्दे को बीजेपी बहुत जोर शोर से उठा रही है, चाहे वो तमिलनाडु हो या फिर तेलंगाना हो। दूसरी बात यह है कि करप्शन, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार है, पारदर्शी सरकार जिस पर कोई भी एक दाग नहीं है, जिसे एक मानक खड़ा किया है पारदर्शिता के मामले में, वही दूसरी तरफ ऐसी पार्टियां हैं जिन पर भ्रष्टाचार के तमाम गंभीर आरोप हैं उनके नेताओं पर। तो इस मुद्दे को बहुत बीजेपी उठा रही है दक्षिण भारत में भी, और ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर बीजेपी के साथ खड़ी होगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से देखे रणनीति है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी ये जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में उसके पास एक ऐसा चेहरा है जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, और साथ ही साथ दक्षिण भारत में जो उनकी लोकप्रियता है वो इन तस्वीरों से साफ जाहिर होती है कि वो कितने लोकप्रिय है, दक्षिण भारत हो या पश्चिम भारत हो या फिर उत्तर भारत हो। तो निश्चित तौर पर इस तरह की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है उनका उत्साह बढ़ाती है कि दक्षिण में इस बार बीजेपी को एक शानदार सफलता मिलने वाली है, बीजेपी एक इतिहास रचने वाली है। तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी उस सफलता को पाना चाहती है और उसके लिए मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। और हम देख रहे हैं कि लगातार रैलियों का दौर हो या पार्टी संगठन के कार्यक्रम हो, वहाँ से जो फीडबैक बीजेपी ले रही है, और इसी वजह से उत्साहित है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो से तो ऐसा लगता ही है, जिस तरह से लोगों का प्यार उमड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति। बिल्कुल, आप जिस तरह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पूरी तैयारी के साथ इस बार वहाँ पर मैदान में है, इसी तैयारी का एक नमूना कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मोटे तौर पर अकेले दम पर वहाँ जा रही है। अन्ना द्रमुक के साथ उनका गठबंधन था, लेकिन अन्ना द्रमुक के साथ उन्होंने गठबंधन को खत्म कर दिया। तो अनुज, तमिलनाडु का जो इस बार का इक्वेशन है, इस बार का जो समीकरण है अनुज, उसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में अब ना तो करुणानिधि रहे ना जय जयललिता रही, लेकिन डीएमके अभी सत्ता में है, और जो एआईएडीएमके है अब उस दौर वाली जय जयललिता वाले दौर की एआईएडीएमके इस समय वो नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जब गठबंधन से अलग हो करके अकेले दम पर तमिलनाडु में कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं उस एक स्पेस को, उस जगह को देख रही है भारतीय जनता पार्टी।
लालचंद, बहुत सही सवाल आपने पूछा। देखिए दक्षिण भारत के चुनावों को आपने भी लालचंद्र काफी कवर किया है। उस समय का दौर अलग था, राजनीति अलग थी। इन तस्वीरों को देखकर शायद आज आपके मन में भी ये बात हो रही होगी कि जब आप उस दशकों में लंबे समय पहले जब आप उन चुनावों को कवर करते होंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के झंडे शायद आपको इतने ना दिखाई देते हो। आज सबसे बड़ी बात लालचंद्र यही है कि दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ मैदान में उतरती थी, लेकिन इस बार आप देखिए कितना ज्यादा उत्साह भारतीय जनता पार्टी और कितना ज्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी को है कि तमिलनाडु के अंदर बिना किसी गठबंधन के अकेले दम पर वो चुनावी मैदान के अंदर है। और शायद वो भारतीय जनता पार्टी का भरोसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा, शायद ये जनता की ये तस्वीरें ही बताती हैं। जो लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है, शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का भरोसा बनता है। आपने सही कहा के अन्नामलाई की जो यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर हुई थी उसके समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। उस समय मैं वहां मौजूद था। शायद मैंने पहली बार दक्षिण भारत के अंदर इतनी बड़ी भीड़ को देखा जिसमें 6 से 7 लाख लोग इकट्ठा हुए थे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। ये वो तस्वीरें हैं, चाहे हम रोड शो की बात करें, चाहे हम जनसभाओं की बातें करें, वो तस्वीरें हैं जो मनोबल को बढ़ाती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मनोबल को बढ़ाती हैं, भाजपा के मनोबल को बढ़ाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो बातें चल रही हैं राजनीतिक पंडित और मीडिया में जो बातें चल रही हैं लालचंद्र, कि क्या दक्षिण भारत में इस बार भाजपा का खाता खुलेगा, शायद तस्वीरें तो कह रही हैं हो सकता है और जो संभव है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सिर्फ खाता नहीं खुलेगा बल्कि बड़ी संख्या में झोली भी भर सकती है। और ये तस्वीरें शायद वही बयां कर रही हैं, लाखों की संख्या में लालचंद्र लोगों का आना, युवाओं का। सबसे बड़ा बात है कि जो ए अन्नामलाई है वो खुद एक युवा है और युवाओं से जो उनका एक कनेक्ट है वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद युवाओं से कनेक्ट करते हैं, उनके लिए ऐसी योजनाएं लाते हैं जो 70 सालों में कभी किसी ने सोची तक नहीं। धुएं में दम घुटता था महिलाओं का, इस बात को सोचा प्रधानमंत्री ने, इस बात को सोचा केंद्र सरकार ने। उज्ज्वला के माध्यम से पूरे देश की तस्वीर बदल दी, धुएं को खत्म कर दिया, महिलाओं के जीवन को आसान बना दिया। गांव गांव तक किसानों के लिए योजनाएं बनाना, किसानों और कृषि के लिए 1.25 लाख करोड़ का बजट पहली बार बनाना, पशुपालन मंत्रालय को अलग बनाना, सहकारिता के माध्यम से, सहकारिता के आंदोलन के माध्यम से किसानों की, गांवों की, ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलना, ये वो चीजें हैं। देखिए सहकारिता के बारे में कहते थे कि सहकारिता आंदोलन का सपना तो भारत ने आजादी के पहले से देखा था, लेकिन वो 70 सालों में पूरा नहीं हुआ, पिछले 5 सालों में पूरा होता हुआ कैसे दिखाई दिया, एक सबसे बड़ी बात है। तो देखिए जब सबसे बड़ी बात है, जब आम आदमी के जीवन में बदलाव आता है सरकार के माध्यम से, सरकार की नीतियों के माध्यम से, सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, तो फिर सड़कों पर उस नेता को देखने के लिए, सुनने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए इसी तरीके से जन सैलाब उमड़ता है जो आज कोयंबटूर की धरती पर, कोयंबटूर के अंदर दिखाई दे रहा है। सड़क के दोनों तरफ अपने प्रिय नेता का स्वागत करती हुई कोयंबटूर की जनता। इससे पहले मैं तेलंगाना के अंदर था 2 दिन पहले, वहाँ एक मलकाजगिरी में रोड शो हुआ था लालचंद्र, बिल्कुल नहीं जुड़ा था तस्वीरें, और आपसे मेरा उस दिन भी संवाद हो रहा था, मैं तस्वीरों के बारे में उस दिन भी आपको बता रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत की जितनी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं वो मलकाजगिरी के अपने रोड शो की बात जरूर करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो उम्मीदें, जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई थी, अब इन लोगों की, जनता की जो भीड़ उमड़ रही है उसमें शायद एक संतोष पैदा होता है किसी भी नेता को जब वो उसके लिए लंबे समय तक काम करता है, योजनाएं बनाता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि दक्षिण भारत में राजनीति का इस बार रूप भी बदलेगा, स्वरूप भी बदलेगा, और जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों से लगातार उत्तर भारत के अंदर मोह भंग हुआ है जनता का, भ्रष्टाचार के चलते, वंशवाद के चलते,
शायद इस बार दक्षिण भारत की जनता ने भी ऐसा ही कुछ सोचा है इन लोकसभा के चुनावों में। लालचंद्र, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो जरूर इस तरह का उम्मीद कर ही रही है और कोशिश भी कर रही है। शैलेंद्र, जिस तरह से तमिलनाडु के इस बार समीकरण है, डीएमके वहां पर सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर बनता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर एक अच्छा स्कोप खुल रहा है, जब वहां बाकी दलों की स्थिति को देखें और भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों को देखें तो ऐसा लगता है कि वहां पर एक ठीक ठाक भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार स्कोप खुल रहा है। निश्चित तौर पर देखिए लालचंद्र, डीएमके सत्ता में है और बीजेपी को लगता है कि डीएमके के खिलाफ एक माहौल है, और दूसरी तरफ एआईडीएमके उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो सत्ता के सामने और उसके प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिस तरह से दिख रही है तस्वीरों में, तो निश्चित तौर पर उससे भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा होगा। बीजेपी ये जानती है कि वो कर्नाटक जैसे राज्यों में पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन अगर केरल और तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने के साथ साथ कुछ और सीटों पर अगर चुनावी सफलता हासिल करने में कामयाब होती है तो वो बीजेपी के लिए एक तरह से दक्षिण भारत की जो रणनीति है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से देखिए उस पर सफलता बीजेपी को हासिल होगी। और यही वजह है कि आप देखिए जब राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को कार्यक्रम होना था उससे ठीक पहले हमने देखा कि देश भर में तमाम प्रमुख जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे, कन्याकुमारी किस तरह से वो रामेश्वरम गए और तभी से लगातार प्रधानमंत्री कई बार हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत के दौरे तो कर ही रहे हैं लेकिन तमिलनाडु पर खास तौर पर फोकस कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि तिरुनेलवेली में उन्होंने एक बड़ी जनसभा की थी चुनाव के ऐलान से पहले, और लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर जाना खासतौर पर तमिलनाडु और केरल के में तमाम उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस, ये बताता है कि बीजेपी कितनी गंभीरता के साथ दक्षिण भारत में जो उसकी संख्या है लोकसभा सीटों की जीत की उसको बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति पर काम कर रही है। और यही वजह है कि पिछले 3 महीनों में देखे जैसा कि हमारे सहयोगी अनुज बता रहे थे, मैं तो कहूंगा कि अगर आप विकास योजनाओं पे फोकस के लिहाज से देखें तो पूरे 10 वर्षों में दक्षिण भारत पे एक विशेष फोकस रहा है, और यही वजह है कि तमाम योजनाओं को बहुत स्पीड से जमीन पर उतारा गया है। और प्रधानमंत्री अक्सर ये कहते हैं कि उनकी सरकार योजनाओं का शिलान्यास भी करती है, लोकार्पण भी करती है, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि वो एक 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 विश्वास पैदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि तमिलनाडु में न सिर्फ खाता खुलेगा बल्कि उससे कहीं ऊपर सीट संख्या मिलेगी। और आप देखिए तमाम जो सर्वे तमाम एक तरह से जो राजनीतिक समीक्षक ये मानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में खासा इजाफा होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को लगता है कि न केवल मत प्रतिशत में इजाफा होगा बल्कि सीटों के लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहवर्धक परिणाम एक तरह से पार्टी के न केवल विस्तार के तौर पर पार्टी के संगठन के मजबूती के तौर पर बल्कि जनता का समर्थन भी हासिल होगा ऐसा भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है, दावा कर रही है। और इसकी वजह यह है कि बीजेपी को लगता है कि जिस तरह का कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु की दक्षिण भारत की जनता से हाल के वर्षों में दिखा है वो अभूतपूर्व है, और ये कोई कारण नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर सफलता इन राज्यों में ना मिले। और ये तस्वीरें भी काफी हद तक उस बात को बयां करती है, और जरूर भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं जो बाकी शीर्ष नेता है उनके उत्साह को बढ़ा रही होंगी। लालचंद, बिल्कुल, और उस उत्साह को हम लोग टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लोगों में गजब का उत्साह है, लोग किस तरह अपने प्रिय नेता को देखने के लिए उनको उनसे अभिवादन करने के लिए किस तरह वहाँ देखिए किस तरह रोड के दोनों तरफ खड़े हैं। अनुज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खास तौर पर वहाँ पर एक मुद्दा उठाया और कहा कि ये जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जो शक्ति हैं उन शक्ति की मैं पूजा करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किया है उन सब चीजों को लेकर के एक स्पेशल कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए लालचंद्र, सबसे बड़ी बात है चुनाव का समय है, चुनाव का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बिल्कुल होनी चाहिए, चलती है, और इस बार भी ऐसा देखने को मिल रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जो विवादास्पद एक तरीके से बयान दिया मुंबई के अंदर कि उनकी जो इस बार लड़ाई है वो शक्ति से है। देखिए शक्ति पूजने होती है, चाहे वो नारी शक्ति हो चाहे वो देवीय शक्ति हो, वो आराधना के योग्य होती है शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की रैली में उसी पर एक तरीके से प्रहार किया, इंडी गठबंधन पर, राहुल गांधी पर, और कहा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार तो शक्ति को पूजती है, माताओं बहनों के रूप में शक्ति को मानती है, और इंडी गठबंधन इस तरह की बातें कर रहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति से है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्र सरकार ने नारी शक्ति के लिए योजनाएं चलाई हैं, उनके उत्थान और उनके विकास के लिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को महिलाओं से मुखातिब होते हुए जनसभा में इस बात को कहा कि इस बार 2024 का ये जो चुनाव है, जब इसका परिणाम आएगा तो ये देखने वाली बात होगी कि ये शक्ति, ये मातृत्व शक्ति और ये नारी शक्ति क्या भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है, या इंडी गठबंधन जिस तरीके से शक्ति का विनाश करना चाहते हैं क्या वो लोग इस पर खड़े उतरते हैं। तो इस बात का फैसला भी इस देश की जनता करेगी। तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लालचंद्र होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा करते हुए इस बात को कहा था कि आरोप व्यक्तिगत, जबकि हमने कई बार देखा है कि कांग्रेस के नेताओं ने व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर। व्यक्तिगत आरोप से बचना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो लोकतंत्र की जो रंग बिरंगी तस्वीर है चुनाव के माध्यम से, उसमें संवाद होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, उसमें आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत आरोप नहीं होने चाहिए। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने आज कड़ा प्रहार उस पर किया। प्रधानमंत्री काफी गर्जे और बरसे इंडिया गठबंधन के खिलाफ, और उन्होंने तो दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं, बीआरएस चाहे हम तेलंगाना की बात करें, डीएमके की हम तमिलनाडु की बात करें, उन पर भी काफी बरसे कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों को सत्ता दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की, नारी शक्ति की, युवाओं की रहती है, लेकिन पिछले वर्षों के अंदर, दशकों के अंदर महिलाओं की तस्वीर आखिर क्यों नहीं बदली, युवाओं की तस्वीर आखिर क्यों नहीं बदली, ऐसे सवाल प्रधानमंत्री जनता के बीच में दक्षिण भारत के अंदर लेकर जा रहे हैं। और जब इस तरह का संवाद प्रधानमंत्री करते हैं तो निश्चित तौर पर लालचंद्र आपने कई बार देखा है कि हर वर्ग, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा को जानने वाला हो, वो एक कनेक्ट करता है और वो इस बात को सोचता है कि प्रधानमंत्री उसकी बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो ये वो सारी बातें हैं, वो ये सारी चीजें हैं, ये नीति और नियत की बात है कि आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब वो कोयम्बटूर की जनता के बीच में है तमिलनाडु में, तो लाखों की संख्या में इस 3.5 किलोमीटर के रोड शो में अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूलों से। तो निश्चित तौर पर राजनीति का समय है, चुनाव का समय है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं तो निश्चित तौर पर एक जिज्ञासा किसी भी पार्टी के अंदर और उम्मीदें किसी भी पार्टी को बढ़ती हैं कि निश्चित तौर पर पहले जहां उनकी झोली में वोटों के माध्यम से या सीटों के माध्यम से कुछ ज्यादा नहीं मिलता था, तो निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस तस्वीरों के माध्यम से एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है कि ना सिर्फ उनका इस बार दक्षिण भारत के अंदर खाता खुलेगा बल्कि अच्छी खासी संख्या में सीटें मिलेंगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है 2019 के चुनाव को लालचंद्र आप देखिए, तेलंगाना के अंदर, तमिलनाडु के अंदर वोट प्रतिशत जो बढ़ा है वो एक सबसे बड़ा उम्मीदों का एक जो है वो किरण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भले ही कई बार ऐसा लालचंद्र होता है कि सीटों में तब्दील नहीं हो पाती, जीत नहीं मिल पाती, लेकिन आपका वोट प्रतिशत आपको बताता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं संगठन के माध्यम से, गांव-गांव, शहर-शहर, युवाओं के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से, वो वोट प्रतिशत जब बढ़ता है तो एक समय ऐसा भी आता है जब सीटों में भी तब्दील होती है जीत।
तब भारतीय जनता पार्टी लगातार फोकस कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत को फतह करने की जो जिम्मेदारी दी हुई है उसका नेतृत्व करते हुए लगातार जनसभाओं के माध्यम से और रोड शो के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। लालचंद, बिल्कुल ये चीजें दिखाई दे रही है और आपने मुद्दों की बात की, तमाम तरह के मुद्दे हैं शैलेंद्र, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि डीएमके को कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी है वो तो एक फैक्टर रहेगा ही, लेकिन डीएमके के ऊपर परिवारवाद का भी एक बहुत गंभीर आरोप है और जिसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, तो इस मुद्दे पर भी डीएमके को कहीं ना कहीं बैकफुट पर डालने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर। शैलेंद्र, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर। आप देखिए लालचंद्र कि वंशवाद और भ्रष्टाचार ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो न केवल दक्षिण भारत में बल्कि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें वंशवादी परिवारों की राजनीति नहीं होती, वहीं दूसरी तरफ हिंदी गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, तमिलनाडु में डीएमके है, सब जानते हैं कि डीएमके में जो मौजूदा सरकार है आगे किस उनकी जो पीढ़ी है आप जानते हैं कि पहले अगर आप देखें कि डीएमके में इस तरह से एक ही परिवार का शासन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये बात बीजेपी बहुत जोर शोर हुई है जी। जो पारदर्शी शासन के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ वंशवादी परिवार वाले दल है जो दरअसल अपने परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। तो दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम देख रहे हैं कि न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे दक्षिण भारत में और यूं कहें कि पूरे भारत में बीजेपी उस मुद्दे को बहुत जोर शोर से जनता के सामने रख रही है कि देखिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके लिए देश पहले है, वहीं दूसरे जो दल है जो विपक्षी दल है जो उनकी जो राजनीति है वो परिवार बचाने की राजनीति है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी से जोर शोर से उठा रही है कि देखिए इन दलों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्पष्ट दिखाई देती है और यही वजह है कि बीजेपी को लगता है कि वो विकल्प के तौर पर तमिलनाडु की जनता की पहली पसंद बन सकती है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने दौरे हम देख रहे हैं तमिलनाडु में और दक्षिण भारत में लग रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का फोकस इस बार बहुत है दक्षिण भारत के राज्यों में, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि 2019 की जो सीट संख्या है दक्षिण भारत में उसमें काफी बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जबरदस्त है, ये तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। बीजेपी के पास एक ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष भी है तमिलनाडु में, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को लगता है कि उससे एक माहौल बना है, स्थितियां ऐसी है कि तमिलनाडु में न सिर्फ खाता खुलेगा बल्कि बीजेपी एक विकल्प के तौर पर उभरेगी। बिल्कुल, और उसी की कोशिश के तहत ये रोड शो चल रहा है जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों में किस तरह से लोगों में गजब का उत्साह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किस तरह से सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। अनुज, ये जो 3.5 किलोमीटर लंबा आपने लगभग बताया था रोड शो, तो इस समय मैं देख रहा हूँ कि जहाँ से भी ये काफिला गुजर रहा है वहाँ पर लोगों में बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह है और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ उठाकर मोबाइल फोन से तस्वीरें ले रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त उत्साह लोगों में दिखाई पड़ रहा है। अनुज, लालचंद्र 3.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो काफी, अगर आप इस रफ्तार से चले हैं तो करीब करीब आधा घंटा इस समय हो चुका है, 20 मिनट से ज्यादा इस समय हो चुकी हैं, लेकिन आप जहां भी देखेंगे आप देखेंगे कि कतार टूट नहीं रही है, लोग जो हैं उतनी ही संख्या में हर जगह खड़े हैं और कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है उसको कई बार तेज गति से चलाना पड़ता है, लेकिन आज इस इतनी भीड़ के चलते आज काफिले को धीमी गति से इसलिए चलाया जा रहा है ताकि हर किसी व्यक्ति का जो एक इस समय उनकी उम्मीद है कि वो अपने नेता को देख सकें, करीब से देख सकें, तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रफ्तार को कम करते हुए जनता के बीच में चल रहे हैं। दोनों तरफ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और हमने तो
कई बच्चों के हाथों में ऐसी तस्वीरें देखी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोर्ट्रेट बनाकर लेकर आए हैं। हमने कई ऐसे युवाओं को देखा है जो पोर्ट्रेट बनाकर ला रहे हैं। तो देखिए, ये सबसे एक बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव बनारस उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के अंदर जितनी लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है, ये इन्हीं बातों से सामने आती है, इन्हीं बातों से ये बात कि एक बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, वो पोर्ट्रेट बनाकर ला रहे हैं। जबकि दक्षिण भारत की राजनीति में तो लालचंद्र आपने देखा है कि फिल्म स्टार, ज्यादातर फिल्म स्टार जो हैं वो राजनीति में आते हैं और वो बड़े पॉपुलर रहते हैं, जनता उनके पीछे पीछे भागती है, चाहे वोटों के माध्यम से, चाहे उनको देखने के माध्यम से। और इसके कई बड़े उदाहरण दक्षिण भारत की राजनीति में लालचंद्र रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आप बैकग्राउंड और इतिहास देखें, ना किसी फिल्मों से है, ना किसी इसी तरीके से है, बल्कि संघर्ष से सत्ता तक पहुंचने का उनका इतिहास रहा है। गुजरात से बनारस तक पहुंचे, वहां से जीते, उसके बाद दक्षिण भारत के अंदर जो लोकप्रियता दिखाई दे रही है, ये उनकी नीति और नियतों की वजह से है। सरकार नीतियां बहुत बनाती है, योजनाएं बहुत बनाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो आम जनता तक कितनी पहुंचती हैं। ये राजनीति के अंदर बड़े सवाल दशकों तक रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब ये जनता दे रही है, ये भीड़, उमड़ती हुई भीड़ दे रही है कि जब किसी नेता और नेता की नीति अच्छी हो, नीयत अच्छी हो, तो निश्चित तौर पर बदलाव आता है, आम जनजीवन में बदलाव आता है, देखने को मिलता है। आज हम पूरे देश की बात करें, दक्षिण भारत के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का जो एक संकल्प लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप देश के किसी हिस्से में जाइए, आपको एक्सप्रेसवे मिलेंगे, हाईवेज मिलेंगे, जो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, छोटे छोटे इलाकों के अंदर आज जो है एयरलाइंस शुरू की गई हैं, भले ही वो छोटे जहाज हैं, लेकिन लोगों का जीवन आसान हुआ है। चाहे हम समुद्री यातायात की बात करें, वंदे भारत ट्रेन की बात करें, जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल के अंदर देश की तस्वीर को बदला, देश की तकदीर को बदला, ये वो सारी बातें हैं कि अपने नेता को देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। आप जानते हैं कि कोयंबटूर के अंदर इस समय अगर हम शाम की बात करें तो काफी ट्रैफिक रहता है, काफी ट्रैफिक जाम की कई बार स्थिति रहती है, लेकिन आप देखिए लोग जो हैं अपने सभी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, तो शायद लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है कि आज शाम को जिन नेता को, जिन प्रिय नेता को वो टीवी के माध्यम से देखते थे, आज उनको सामने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा जाए। तो निश्चित तौर पर हम तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर की जनता का आज वीकेंड बना दिया, अगर इस बात को हम कहें तो गलत नहीं होगा। हालांकि चुनाव का समय है, चुनाव के समय में सभी नेता जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन जनता के बीच में इतना प्यार किसी को मिलना, इतना समर्थन किसी को मिलना, इतनी भारी संख्या में जन सैलाब का उमड़ना, ये वो सवाल है जिनका जवाब अब जनता दे रही है कि अब राजनीति का रूप और स्वरूप जिस तरीके से लगातार बदल रहा है, और जिसकी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, वंशवाद की राजनीति को खत्म करने की, भ्रष्टाचार को खत्म करने की, और सबसे बड़ी बात जो है लालचंद्र ये है कि जिस तरीके से योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं को धरातल पहुंचाना, जमीनी स्तर तक पहुंचाना, ये वो योजनाएं हैं जो शायद आपने गांवों के अंदर रहने वाले व्यक्ति को नहीं पता होती कई बार, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया, प्रधानमंत्री ने हर योजनाओं को तकनीक से जोड़ दिया, हर योजनाओं को आपके मोबाइल पर ला दिया, इसे डिजिटल क्रांति जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने कही थी, वो डिजिटल क्रांति आज हर व्यक्ति को दे रही है, उसकी योजनाओं को बता रही है, भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है। तो तकनीक के माध्यम से कितना बड़ा बदलाव किया जा सकता है, तकनीक के माध्यम से भाषाओं की दूरी को दूर किया जा सकता है, ये सब वो प्रयास रहे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और एनडीए को एक बड़ा समर्थन दक्षिण भारत के अंदर दिलाती हुई नजर आ रही है लालचंद्र। बिल्कुल, और वही जो भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी की संभावना है, उसी संभावना के तहत ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। शैलेंद्र, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि रोड पर वहाँ पर तो भारी भीड़ उमड़ी ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो अपनी छतों से, अपनी बालकनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवाब में उनकी तरफ हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। तो भारी संख्या में लोग वहां पर, जो अनुज कह रहे थे कि आज की शाम में अपने प्रिय नेता को देखने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए हैं। देखिए लालचंद्र, 2019 और 2024 में क्या बदला है भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत में, इसे समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2-10 वर्षों में हमने देखा है कि तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो या पश्चिम भारत हो या उत्तर पूर्व हो, वहाँ समान तौर पर पहुंची है। लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है, हमने देखा है कि आवास हो या फिर मुफ्त गैस कनेक्शन हो या आयुष्मान योजना का आप एक तरह से देखे कई राज्यों में जो लाभ है वो मिला है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बीजेपी के लिए बहुत बड़ा कारण है कि बीजेपी को लगता है कि तमिलनाडु में उसकी सदस्य जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो बढ़ सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस बार दरअसल एक मजबूत स्थानीय एक टीम मिली है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी को सफलता मिली है कि वो स्थानीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में सफल साबित हुई, जो कि बहुत जरूरी है कि बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। किसी भी राजनीतिक दल के लिए जरूरी है कि अगर उसे चुनावी सफलता हासिल करनी है तो पार्टी के संगठन को सक्रिय होना पड़ेगा और बूथ स्तर पर पार्टी का संगठन खड़ा हो, और बीजेपी इस मामले में तमिलनाडु में एक सफलता पाती हुई दिखाई दे रही है कि पार्टी को 2019 के मुकाबले 2024 में जो उसका संगठन है वो काफी मजबूत है और उसका विस्तार भी हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी कहती है कि तमिलनाडु में न इस बार कोई ना केवल खाता खुलेगा बल्कि एक बहुत शानदार नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से रहेंगे। तो ये प्रमुख बदलाव हम 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव में देख रहे हैं, और राजनीतिक समीक्षक भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी की जो दावेदारी है वो 2019 के मुकाबले इस बार के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में, खासतौर पर तमिलनाडु में या फिर तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि पार्टी ने संगठन के स्तर पर बहुत काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कल्याणकारी योजनाओं का काफी फायदा दक्षिण भारत के राज्यों को भी मिला है, और साथ ही साथ तमाम बुनियादी ढांचा परियोजनाएं वो बहुत तेजी से जिनकी रफ्तार के साथ उसे पूरा किया गया है दक्षिण भारत में, चाहे तमिलनाडु में हो या फिर तेलंगाना में हो या कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल, और जो वो तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ वहां पर लोगों को मिला है देश के बाकी हिस्सों की तरह। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार उन चीज़ों का जिक्र भी करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उसे लाभार्थियों को जो लाभ मिला है उसे एक मुद्दा भी बनाया है। अनुज, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और क्या क्या कार्यक्रम हैं इस बार का, जो ये प्रधानमंत्री का 5 दिनों का साउथ का दक्षिण का जो दौरा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल तमिलनाडु के अंदर उनकी जनसभाएं हैं, और दक्षिण भारत की यात्रा के बाद लगातार 4 दिनों तक प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में रहे। दक्षिण भारत के अंदर अब बाकी देश के अंदर, चाहे हम पूर्वोत्तर की बात करें, क्योंकि पहला फेज का जो चुनाव होगा वो उत्तर भारत के कई राज्यों के अंदर है, प्रधानमंत्री उन सभी राज्यों के अंदर जाएंगे, इसी तरीके से रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात लालचंद्र है, जिसका एक बार से हम फिर से जिक्र करना चाहेंगे, और हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार अपना वोट बैंक बढ़ा रही है, वोट प्रतिशत बढ़ा रही है, उसके पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो है मजबूत संगठन। और संगठन मजबूत कब होता है लालचंद्र, मैं तो इस बात को कहूंगा कि दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी भारतीय जनता पार्टी से सीख लेनी चाहिए। संगठन मजबूत तब होता है जब संगठन के अंदर काम करने वाले युवा नेता को इस बात का एक विश्वास रहता है कि किसी दिन, एक दिन वो भी बड़ा नेता बनेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां एक आम कार्यकर्ता, एक पार्टी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया जाता है, ये एक सबसे बड़ी जीत है संगठन को मजबूत करने की और भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करने की। विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, ये सीख लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से निश्चित तौर पर, क्योंकि अपना जीवन खपाने के लिए युवा राजनीति में नहीं आता,
अपना जीवन बनाने के लिए, दूसरों का जीवन बनाने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए आता है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिलता है कि एक एक कार्यकर्ता की जो मजबूती है उसका उतना ही सम्मान उसको मिलता है जितनी वो है। चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में ये बात हर राजनीतिक दल के लिए होनी चाहिए कि उनके कार्यकर्ता जब सड़कों पर मेहनत करते हैं तो उन्हें राजनीति की हिस्सेदारी भी, राजनीति में हिस्सेदारी भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया है और शायद दक्षिण भारत के अंदर युवाओं के अंदर एक बड़ी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है, बड़ी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एक जो भारी संख्या में जो जन सैलाब उमड़ रहा है सड़कों पर, ये बदलती हुई राजनीति का स्वरूप और रूप बता रहा है। लालचंद, बिल्कुल, ये बदलती हुई राजनीति के बारे में कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो हैं वो संकेत दे रही हैं। शैलेंद्र, जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस रोड शो में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन भी शामिल हैं, कि अन्नामलाई तो हैं ही, भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन भी हैं। ये बताइए कि इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि बहुत सारे बड़े नेताओं को उन्होंने लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है, तमिलनाडु में जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट देने का प्लान बनाया है, जितने टिकट अभी तक दिए हैं, उसमें किस तरह के चेहरे इस बार तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं या मिल सकते हैं आगे चलकर? शैलेंद्र, देखिए लालचंद्र, आप देखिए केरल में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ युवा उम्मीदवारों को मौका दिया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन हो या फिर राजीव चंद्रशेखर हो, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है, जिससे एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतार रही है और साथ ही साथ जो संगठन में काम कर रहे युवा नेता हैं उनको भी चुनाव मैदान में उतार रही है। तमिलनाडु में हम देखेंगे कि जो सूची आएगी उसमें निश्चित तौर पर संगठन के कई चर्चित चेहरे होंगे जो चुनावी मैदान में एक तरह से देखे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर नजर आएंगे। तो ये एक संकेत होगा कि जिसमें कुछ ऐसे भी चर्चित चेहरे हैं जो पूर्व में सरकारों में मंत्री रह चुके हैं या फिर जिनको एक राजनीतिक तौर पर बड़ा अनुभव रहा है, और साथ ही साथ महिला उम्मीदवारों पर भी आप देखें कि कुछ बड़े चेहरे तमिलनाडु में हम देख रहे हैं, तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ते नजर आएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति होगी बीजेपी के लिहाज से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है अभी तक जो दक्षिण भारत की जो जिन राज्यों में सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है उनमें एक संतुलन दिखा है युवा चेहरों का, अनुभवी चेहरों का, और साथ ही साथ केंद्र में मंत्री पद पर जिन नेताओं ने जिम्मेदारी संभाली है उनको भी लोकसभा चुनाव के में मैदान में उतारा गया है। तो हम तमिलनाडु में भी देखेंगे कि इस तरह के कुछ चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ते नजर आएंगे। इस रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ेगी, इस तरह के संकेत है तमिलनाडु में भी। बिल्कुल, वो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी हम जानते हैं कि अपने चुनावों में जब जाती है तो बहुत ही तैयारी के साथ, बहुत ही रिसर्च और होमवर्क के साथ जाती है, अपने कैंडिडेट को भी उसी तरह से चुनती है। लेकिन अनुज, ये जो रोड शो चल रहा है इसमें ख़ास तौर पर कुछ नारे जो हमें बड़ी ज़ोर शोर से सुनाई पड़ रहे हैं उसमें मोदी मोदी के नारे हैं, उसमें जय श्री राम के भी नारे हैं, ये तमाम नारे इस रोड शो से उभर करके सामने आ रहे हैं और ज़्यादा सुनाई पड़ रहे हैं, ये तमाम चीजें मुद्दा बनने वाले हैं तमिलनाडु के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए? निश्चित तौर पर लालचंद्र, सबसे बड़ी बात है मोदी मोदी के नारों के साथ एक नारा और गूंज रहा है, ना सिर्फ कोयंबटूर में बल्कि दक्षिण भारत में, अब की बार 400 पार। निश्चित तौर पर अब की बार 400 पार दक्षिण भारत के अंदर इस तरह के अगर नारे सुनाई देते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि दक्षिण भारत के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 पार कराने की सबसे ज्यादा अगर किसी ने ठानी है तो दक्षिण भारत के लोगों ने ठानी है। इस तरह के नारे भी इस तरह के रोड शो में दिखाई दे रहे हैं, जनसभाओं में इस तरह के नारे सुनाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात तो जरूर है कि जिस तरीके से लगातार वोट प्रतिशत लगातार, चाहे विधानसभा के पिछले चुनाव रहे हो, 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो, वोट प्रतिशत बढ़ा। और देखिए वोट प्रतिशत लालचंद्र ऐसे ही नहीं बढ़ता,
वोट प्रतिशत तभी बढ़ता है जब उस पार्टी के प्रति, उस पार्टी के नेताओं के प्रति लोगों में एक विश्वास होता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो एक सबसे बड़ी पुरानी बात रही है वो रही है कि चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार जनता के बीच में जाता है, जिसको टिकट दिया जाता है, उसको कई बातों पर परखा जाता है। सबसे पहली बात है कि उसकी छवि, साफ छवि होनी चाहिए, समाज सेवा के अंदर उसका अनुभव होना चाहिए। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जब करती है, युवाओं को टिकट देती है, महिलाओं को टिकट देती है, और सबसे बड़ी बात है जिनकी साफ छवि होती है जब उनको टिकट मिलता है तो शायद गर्व होता है भारतीय जनता पार्टी को भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कि ऐसे कैंडिडेट के लिए जनता वोट करने के लिए अपने घरों से निकलती है, उसे अपना जनप्रतिनिधि बनाने के लिए निकलती है। और हमने तो कई बार देखा कि भारतीय जनता पार्टी चेहरों को बदल देती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए छवि महत्वपूर्ण है। और इस बात को तो प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं लालचंद्र, जिस चेहरे से ज्यादा छवि महत्वपूर्ण है। इसी वजह से आज अभी तक जितने भी टिकटों की घोषणा है उन सभी टिकटों में इस बातों का ध्यान रखा गया है। और आज कोयम्बटूर के अंदर जिस तरीके से भगवा लहरा रहा है, भगवा झंडा लहरा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जिस तरीके से खिलता हुआ नजर आ रहा है दक्षिण भारत के अंदर, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को है कि इस बार अगर जीत की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से होगी, जब वोटों की गिनती होगी, तो वह दक्षिण भारत से अच्छे नतीजे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालचंद्र कुछ दिन पहले इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि उन्होंने एक बार कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की थी, लेकिन इस बार कश्मीर से कन्याकुमारी की वो यात्रा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले वो कश्मीर थे और अभी कुछ दिन पहले वो कन्याकुमारी के अंदर थे। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लोगों का जीवन बदलना है, भारत को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, लोगों के जीवन को आसान करना है, कल्याणकारी योजनाओं का जो पैसा है वो गांव-गांव तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। और आज रोड शो चाहे दक्षिण भारत में हो, पूर्वोत्तर भारत में हो या उत्तर भारत में हो, आपने देखा होगा कि इसी तरीके से जो कोयम्बटूर के अंदर तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी तरीके से जन सैलाब उमड़ता है प्रधानमंत्री के किसी भी रोड शो में, किसी भी जनसभाओं के अंदर। ये एक विश्वास पैदा होता है, एक विश्वास पैदा करता है, अच्छी राजनीति के संकेत देता है और बदलती हुई राजनीति के भी संकेत देता है लालचंद। बिल्कुल, बदलती हुई राजनीति के संकेत हैं, बदलती हुई राजनीति की तस्वीरें हैं। और शैलेंद्र, उन्हीं तस्वीरों में अभी एक तस्वीर दिखी थी जिसमें कि कुछ लोग जो हैं वो लिख कर लाए हैं अपने प्लेकार्ड में कि मैं हूँ मोदी का परिवार। ये तमिलनाडु में भी बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है बाकी हिस्सों की तरह। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमने देखा कि जब से विपक्षी दल ने एक तरह से कटाक्ष करने की कोशिश की और उसके बाद हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात को लिखा कि मैं हूँ मोदी का परिवार, और उसके बाद आम जनता अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस बात को लिख रही है और उसको एक बड़ा जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी उसे एक बड़े अभियान के तौर पर उसे बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो न केवल उत्तर भारत बल्कि हम दक्षिण भारत में भी देख रहे हैं कि अब जब चुनावी अभियानों में इस तरह की तथ्यां ये दिखाती हैं कि इस अभियान को एक बड़ा जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हम उन बदलावों की बात कर रहे थे जो भारतीय राजनीति में दिखाई देते हैं। वो बदलाव ये है कि अब एक युवा को लगता है कि अगर वो राजनीतिक तौर पर भागीदारी अपनी निभाना चाहता है तो उसको मौका है एक ऐसे राजनीतिक दल में जिसमें वंशवाद नहीं है, एक ऐसे राजनीतिक दल में जो युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो न केवल उत्तर भारत, पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व में बल्कि दक्षिण भारत में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही भरोसा है बीजेपी के रणनीतिकारों को कि वो बीजेपी के खाते में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में तमाम सफलताएं दर्ज होंगी। और लालचंद्र, ये तस्वीरें भी यही बयां करती हैं, इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो प्रेम है वो दिखाई देता है। बिल्कुल, वो प्रेम दिखाई पड़ता है और उसी प्रेम का प्रत्युत्तर प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन का जवाब दे रहे हैं, उसी प्रेम के प्रत्युत्तर के रूप में।
अनुज, जिस तरह से हमने देखा कि जय श्री राम के नारे तो गूंज ही रहे हैं, बल्कि तस्वीरों में ये भी दिख रहा है कि भगवान श्री राम की तरह पोशाक पहन करके वहाँ पर कुछ लोग आए हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है लालचंद्र, ये भी हमें समझना होगा कि निश्चित तौर पर जो एक बहुत बड़ा संकल्प रहा भारतीय जनता पार्टी का, वो रहा श्री राम मंदिर का। और हमने इस बात को देखा जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर हो रही थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर थे। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वहां पर वो जा रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, और उसकी शुरुआत निश्चित तौर पर दक्षिण भारत से ही हुई थी। चुनाव की शुरुआत भी दक्षिण भारत से हुई है, लेकिन चुनाव को और उस कार्यक्रम को बिल्कुल अलग जो है कर देना चाहिए। उसके पीछे कारण भी है, उसके पीछे कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामेश्वरम गए थे, रामेश्वरम के मंदिर में गए थे, तो वहां से श्री राम, भगवान श्री राम का एक कनेक्ट है, कनेक्शन है। लंका पर जीत के बाद जो श्री राम थे वो वहां से ही निकले थे और फिर अयोध्या में पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज श्री रामेश्वरम के अंदर जो मंदिर है, उसका निर्माण भी जो है एक तरीके से उसी समय पर हुआ था जब लंका पर जो है जीत हासिल की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें सबको भागीदार बनाया, पूरे देश को भागीदार बनाया। और उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि देखिए, अयोध्या के अंदर, उत्तर प्रदेश के एक जिले फैजाबाद, अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी लालचंद्र, और जश्न पूरे देश के अंदर मन रहा था। ये गौरव का पल था, हर देशवासी के लिए गौरव का पल था। और इसी वजह से आज जो आप दक्षिण भारत के अंदर जय श्री राम के नारे चुनावी सभाओं में देखते हैं, रोड शो में देखते हैं, बच्चे पोशाकें पहनकर आ रहे हैं, ये वो गर्व की बात है जो एक दशकों के बाद हम इस बात को कहेंगे, जो एक सपना पूरा हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि जो कई दशकों तक जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको अपने घोषणा पत्रों में दी रही जिन बातों को, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो श्री राम मंदिर की बात हो, वो सारे पूरे करके दिखाए हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी की गारंटी, जो मोदी कहते हैं वो इस बात को करते हैं। और दूसरी, जो आपने एक सही सवाल आपने उठाया, मोदी का परिवार, ये बात आखिर क्यों आई, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर ये बात क्यों बोलनी पड़ी, ये मुहिम क्यों चलानी पड़ी? इसी वजह से लालचंद्र, की जिस तरीके से परिवारवाद राजनीति के अंदर लगातार ना सिर्फ हावी हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे परिवार की जो मेरे परिवार के लोग पार्टियों को नहीं चलाते हैं, लेकिन इस देश के अंदर कई ऐसे परिवार हैं जो परिवार पार्टियों को भी चलाते हैं। और लगातार वंशवाद आगे बढ़ता रहता है, युवाओं को मौका नहीं मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है और वो मेरा परिवार है, मैं उनका परिवार हूँ। ये जो एक मुहिम चलाई गई है, ये होती है एक राष्ट्र की बात, एक राष्ट्र जो है वो एक परिवार के रूप में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात को कहना कि वो देश के लिए और जनता के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं, वो शायद लगता है कि जनता को अपील करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें लोगों को प्रभावित करती हैं, और वो प्रभाव शायद इसी रोड शो के माध्यम से, ऐसे ही रोड शो के माध्यम से दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के किसी भी वर्ग को, क्षेत्र के किसी भी इलाके को नहीं छोड़ते, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, संवाद करने की कोशिश करते हैं सभी लोगों से। और जब किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर, हम इस बात को कहें किसी भी जाति के लोगों के अंदर हम बात कहें, जब हर व्यक्ति को ये बात लगने लगती है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमारी बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं, तो ये एक जो कनेक्ट बनता है, जो एक संवाद बनता है, वो लोगों को जोड़ता है। और शायद इसी वजह से हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जन समर्थन बढ़ रहा है। चुनाव का समय है, निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियों के लिए परीक्षा का समय जरूर है, लेकिन परीक्षा के समय में कौन कितनी तैयारी करता है, कितनी मजबूत तैयारी करता है, ये तो उसी बात पर निर्भर करता है, जो जितनी मजबूत तैयारी करेगा
उसको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस बात को लालचंद्र मंचों से कहते रहे हैं कि विपक्ष एक अच्छा विपक्ष, मजबूत विपक्ष हो, वो ये भी चाहते हैं। लेकिन विपक्ष अपनी तैयारियों में आखिर क्यों पिछड़ जाता है, ये भी एक सवाल चुनावों के समय में दिखाई देता है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी भी पिछले 20 दिनों में जो नेता है, बड़े नेता हैं, वो एक लंबी यात्रा पर थे, वो भी तस्वीरें देश की जनता ने देखी मीडिया के माध्यम से, ये भी तस्वीरें देश के माध्यम से देखी। बाकी राजनीतिक दलों के नेता हैं, चाहे वो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, दूसरे राजनीतिक दलों के नेता हो, वो भी रोड शो करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी करते हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी करते हैं। लेकिन एक अगर देखें तो एक फर्क दिखाई देता है, वो फर्क दिखाई देता है कनेक्ट, लोगों के साथ सीधा कनेक्ट, सीधा संवाद। ये राजनीति का बदलाव जो हम बार बार बात कर रहे हैं लालचंद्र, ये राजनीति में बदलाव है। ये विपक्षी पार्टियों को भी समझना होगा, और लोकतंत्र की मजबूती तो लालचंद्र इसी में है कि सभी राजनीतिक पार्टी लोकतंत्र के इस पर्व में बड़ी संख्या में हिस्सेदारी लें और लोगों के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं, उनके लिए कौन पार्टी क्या काम करेगी इन बातों को लेकर जाएं। ये एक अच्छे लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र की तस्वीर होती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के लिए, अपने गठबंधन के लिए दक्षिण भारत में वोट मांगने के लिए निकले हैं। आज वो कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में है, भारी जन सैलाब उमड़ रहा है। निश्चित तौर पर हर पार्टी को उम्मीद होती है, हर पार्टी जो मेहनत करती है उसको उम्मीद होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने एनडीए गठबंधन के लिए और अपनी पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए अब सड़कों पर निकले हैं लालचंद। बिल्कुल, वो जन समर्थन दिख रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कनेक्ट करते हैं, आपने वो बात की शैलेंद्र, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, उस जन सैलाब में नारी शक्ति की उपस्थिति खास तौर पर और बहुत ही उत्साहित दिख रही हैं वहां पर उपस्थित महिलाएं प्रधानमंत्री के इस रोड शो में। इसकी एक वजह भी है, आप तमाम उन कल्याणकारी योजनाओं को देखते हैं जो महिला के कल्याण पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं जरा आपको इस समय रोकना चाहूंगा, अभी हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर में जो 1998 में बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी की कोयम्बटूर यात्रा के दौरान बम धमाके हुए थे और उनमें 55 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये जो घटना हुई थी ये 1998 की घटना थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की कोयम्बटूर में एक रैली थी, उसी यात्रा के दौरान वहाँ पर धमाका हुआ था और उन धमाकों में 55 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान खास तौर पर समय निकाला, समय निकाल करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शैलेंद्र, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जरा उस पर आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं, 1998 की ये घटना थी, लाल कृष्ण आडवाणी की वो यात्रा थी जिसमें कि ये बम धमाके हुए थे और 55 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, आज प्रधानमंत्री ने खास तौर पर समय निकाल कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए कि जहाँ पर जाए उस वहाँ पर जो भी कुछ एक तरह से देखें उल्लेखनीय होता है, उसका एक तरह से न केवल वो जिक्र करते हैं बल्कि जब भी उन्हें मौका मिलता है ऐसी घटना जिसको एक तरह से कि उस वक्त बहुत ये दर्दनाक ये घटना सामने आई थी, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोयम्बटूर जाना और वहां पर इस तरह से आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने